hello friends welcome to my channel learning made easy uh, this video i'm going to explain uh, the chapter the jal uthe question and answers which is for grade 9 and uh, i was continuously getting request on this particular chapter so i thought i'll upload it today itself so yeah if you have any other requests please mention that in the comment section whenever possible i will be taking or uh, i will be explaining it in english okay so if you have not watched my dhlute summary video please go and watch that first before you see this video and if you have uh, uh, not if you cannot find the link for the dhlute summary i'll be putting that in the description box as well ओके सो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन पाठ्यपुस्तक के प्रश्न अभ्यास क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक फर्स्ट वन किस कारण से प्रेरित हो स्थानीय कलेक्टर ने पटेल को गिरफ्तार करने का आदेश दिया सो द कलेक्टर हैड स्थानीय कलेक्टर मीन्स अ कलेक्टर हु इज देयर एट प्रेजेंट इन दैट प्लेस सो ही हैड गिवन आदेश आदेश मीन्स ऑर्डर टू गिरफ्तार टू प्रिजन पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल हु वॉज़ अ फ्रीडम फाइटर सो वॉट वॉज द कारण फॉर दैट वॉट इज़ द रीज़न फॉर दैट सो द आंसर इज़ सरदार पटेल ने पिछले आंदोलन में स्थानीय कलेक्टर शिरडी को अहमदाबाद से भगा दिया था सो ना सरदार पटेल हैड इन पिछले आंदोलन In a previous Andolan means a movement for freedom or anything else for your country when there is a movement, it is known as Andolan. So, in uh, a, a previous uh, movement, Sardar Patel had Shilidi, the, the collector's name was Shilidi. So, he had moved, uh, you know, the collector uh, from Ahmedabad, he had uh, made him leave Ahmedabad. Sardar Vallabhai Patel had made

सरदार पटेल को निषेधाज्ञा भंग करने के आरोप में गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया निषेधाज्ञा मीन्स एन आज्ञा और एन ऑर्डर विच कोर्ट हैज़ एक्चुअली पास्ड एंड वेन यू हैव मेड अ निषेध टू इट मीन्स यू आर नॉट यू हैव से दैट आई एम नॉट गोइंग टू फॉलो दिस रूल विच कोर्ट हैज़ मेड सो दिस इज अ केस विच वॉज एक्चुअली इम्पोज ऑन सरदार पटेल बाय कलेक्टर शिलडी About Nisheda and uh, Arup Karna means uh, a case, you know, uh, he was actually pointed uh, appointed out for Nisheda for not following rules as per the court. This was a case that was actually imposed on Sardar Patel and the order Adesh of uh, Giraftar of imprisoning him was given. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जज को पटेल की सजा के लिए आठ लाइन के फैसले को लिखने में डेढ़ घंटा क्यों लगा सो जज हु इज़ एक्चुअली हैंडलिंग दिस केस ऑफ सरदार पटेल सो एज़ यू नो जज विल बी राइटिंग द स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंगली एंड दे विल गिव द फाइनल रिजल्ट सो ही वॉज़ राइटिंग एन एट लाइन स्टेटमेंट विच टुक वन एंड हाफ आवर्स फॉर हम डेढ़ घंटा टू राइट एट लाइन्स यू डोंट नीड एक्चुअली वन एंड हाफ आर बट वाई डिट जज टेक सो लॉन्ग इज द क्वेश्चन आंसर सरदार पटेल ने रास में भाषण की शुरुआत करके कोई अपराध नहीं किया था पटेल को कलेक्टर ने ईर्ष्या व रंजिश के कारण गिरफ्तार करवाया था सो so, Sardar Patel actually was giving a bhashan, a speech over there in that place. So he, he didn't do any aparad actually. He didn't do any kind of crime. Aparad means crime. But Patel ko collector ne okay. But a collector had asked or ordered to uh, imprison uh, Patel on irsha varanjish means badla itself. Okay, out of being very uh, angry and you know. वेरी एज अ पार्ट ऑफ रिवेंज इट सेल्फ बदला लेने के लिए यू कैन जस्ट राइट बदला ऑल्सो नो प्रॉब्लम गिरफ्तार करवा करवाया गया था एंड दैट इज वाई ही वॉज एक्चुअली आज टू बी इम्प्रजेंड पटेल के पीछे देशवासियों का पूरा समर्थन था बट बिहाइंड पटेल दर वॉज एंटायर नेशन देशवासी द एंटायर सिटीजन्स ऑफ द नेशन वर यू नो वेरी एक्टिवली सपोर्टिंग पटेल किस धारा के अंत अंत ग्रथ पटेल को कितनी सजा दें यही सोच विचार करने के कारण उसे डेढ़ घंटा का घंटे का समय लगा सो ऑन बेसिस ऑफ वॉट शुड आई इम्प्रिज़न पटेल सो थिंकिंग दिस जज वॉज एक्चुअली टेकिंग सो मच टाइम बिकॉज एक्चुअली ही डेंट डू एनी मिस्टेक ही वॉज बीइंग इम्प्रिज़न फॉर नो रीजन सो जज हैड टू फाइंड आउट नाउ सम काइंड ऑफ मिस्टेक टू इम्प्रेजेंट हिम सो दिस इज वाई फॉर एट लाइन्स ही वॉज टेकिंग वन एंड हाफ आज ओके दिस चैप्टर इज अ बिट टफ डिफिकल्ट टू बी फॉलोड एंड वेरी बोरिंग बट देन यू नो यू हैव टू स्टडी इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर पोर्शन ओके थर्ड क्वेश्चन मैं चलता हूँ अब आपकी बारी है यहाँ पटेल के कथन का आशय अधृत पाठ के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए सो पटेल सेज टू गांधी जी दैट मैं चलता हूँ अब आपकी बारी है यू हैव टू एक्सप्लेन दिस आंसर सरदार पटेल को निषेधाज्ञा उल्लघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था निषेधाज्ञा एज ए सेट नॉट फॉलोइंग सर्टन रूल्स उल्लघन मीन्स वायलेशन सो वायलेशन ऑफ रूल्स दिस इज़ द आरोप दिस इज द केस दैट वॉज पुट ऑन पटेल फॉर विच हीज़ बीग गिरफ्तार इन प्रेजेंट यद्यपि निषेधाज्ञा उसी समय लागू की गई थी एक्चुअली दिस निषेधाज्ञा दैट इज वायलेशन एंड ऑल उसी टाइम यू नो उसी समय द वेरी मोमेंट दे मेड दिस केस एक्चुअली देर वॉज नथिंग लाइक दैट अतः उनकी गिरफ्तारी गैर कानूनी थी सो इट वॉज एक्चुअली गैर कानूनी मीन्स इट वॉज नॉट एक्चुअली अ जस्टिफाइड वन ओके इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू कानून इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू लॉके अंग्रेज सरकार को कोई ना कोई बहाना बनाकर कांग्रेस के नेताओं को पकड़ना था एक्चुअली द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज सरकार दे हैड टू मेक कोई ना कोई बहाना दे हैड टू मेक वन ऑफ द अदर रीजन सम हाउ एंड इन प्रिजेंट द लीडर्स ऑफ कांग्रेस नेता मीन्स लीडर्स ऑफ कांग्रेस ओके दिस इज द रीजन वाई वर पुटिंग ऑल दीज फॉल्स यू नो क्राइम ऑन द लीडर्स ऑफ कांग्रेस इसी सत्य को उद्घाटित करते हुए पटेल ने गांधी को कहा सो शोइंग द सेम ट्रूथ दैट एक्चुअली आई हैव नॉट डन एनी मिस्टेक इन दिस इज सिंपली बीइंग पुट ऑन मी पटेल वाज़ सेइंग टू गांधी जी दैट मैं जेल में चलता हूँ नॉट चलती हूँ चलता हूँ ओके okay? अब सरकार आपको भी जेल में बंद करें करेंगे तैयार रहिए करेंगे ओके okay? सो so, uh, Mm, Sardar Patel is saying that see, I am going to be imprisoned now. Next it must be your turn. Okay. So you be ready. Tayara here means you be ready. You be prepared. Because anytime now you will also get imprisoned. Okay. For no reason. So this is what this answer is about. Okay. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें गांधी जी ने ये किसके लिए और किस संदर्भ में कहा नाउ so गांधी जीज वर्ड्स इनसे आप लोग त्याग और हिम्मत सीखें वॉज़ फॉर होम दीज वर्ड्स फॉर होम वॉज वॉज एक्चुअली एड्रेसिंग होम एंड दिस इज द क्वेश्चन किसके लिए और किस संदर्भ मैन व्हाट इज द सर्कमस्टेंस और व्हाट इज द सिटुएशन इन विच दीज लाइन्स वर सेट बाय गांधी जी आंसर पटेल की गिरफ्तारी के बाद जब गांधी जी रास पहुँचे तो दरबार समुदाय के लोगों के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया सो वेन पटेल की गिरफ्तारी के बाद आफ्टर पटेल गॉट इम्प्रेजेंट वेन गांधी जी रीच्ड द प्लेस रास द पीपल ओवर देयर ओके दरबार समुदाय के लोग मीन्स द पीपल ऑफ़ दैट पर्टिकुलर लोकेलेटी

इन रास देर दे हैव छोड़ कर दे हैव लेफ्ट ऑल काइंड ऑफ एशो आर आम एंड कम एंड सेटल्ड हियर ओके फॉर फाइटिंग यू नो फॉर फाइटिंग फॉर द नेशन गांधी जी ने इन्हीं दरबार लोगों के त्याग और ऐसे फैसले लेने के साहस के बारे में कह रहे थे सो गांधी जी वॉज एक्चुअली एड्रेसिंग दैम एंड द सिचुएशन वॉज दैट इन अमंगस्ट दैम इट सेल्फ गांधी जी वॉज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देयर त्याग देयर सेक्रीफाइस ओके वैन गांधी जी सॉ देर सेक्रीफाइस गांधी जी

से किया जा सकता है अपने शब्दों में लिखिए सो अकॉर्डिंग टू द पार्ट अकॉर्डिंग टू चैप्टर हाउ कैन वी से दैट वॉट एवर डिफिकल्ट सिचुएशन इज कठिन परिस्थिति डिफिकल्ट सिचुएशन उसका सामना वी कैन फेस सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन बाय तात्कालिक सूझबूझ तात्कालिक मीन्स अ टेम्पररी Sooj boots, a temporary solution for that. You can find a temporary solution or APC male joel. And also, there should be a very good, uh, you know, uh, with each other, you have to walk hand in hand, be, be with each other, uh, take their decision also, and you can give your decision also. Everything should go hand in hand with each other. So, there should be a very good male joel, a very good uh, contact with everyone, and also a temporary solution. Uh, can also help in facing all kind of difficult situation how can we say that is the question from this chapter answer is part the hota ki har which hai. from the question itself you can write this that uh, they are saying that from the chapter we can understand that if there is uh, as said that uh, sujboj and male then yes we can uh, face any kind of uh, difficult situation वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी से एक चुनौती सामने आई वेन वल्लभ भाई पटेल वॉज एक्चुअली इम प्रजेंट अ चुनौती चुनौती मीन्स अ चैलेंज हैट वन मोर चैलेंज हैट कम इन फ्रंट ऑफ दैम गुजरात का सत्याग्रह आंदोलन असफल होता जान पड़ा एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम वल्लभ भाई बींग इम प्रेजेंट देर वॉज वन मोर चैलेंज एंड दैट वॉज गुज इन गुजरात द सत्याग्रह आंदोलन दैट इज अवेर सत्याग्रह मूवमेंट यू नो सत्याग्रह मूवमेंट दैट बिकेम असफल इट बिकेम अनसक्सेसफुल ओके किंतु स्वयं गांधी जी ने आंदोलन की कमान संभा कमान संभाल ली बट स्टिल गांधीजी uh, had uh, you know taken care of the entire movement in a very good manner. यदि वे भी गिरफ्तार कर लिए जाते तो उसके लिए भी उपाय सोचा गया. and गांधीजी also thought about another solution that if गांधीजी himself got imprisoned he had a plan B. what to do next, okay? because even vallabhai had said that you have to be ready anytime you will also get imprisoned. you might get imprisoned but gandhi ji had plan B for that. abbas तैयब जी नेतृत्व करने के लिए तैयार थे सो आफ्टर गांधी जी ऑल्सो देर वॉज अनदर लीडर रेडी इफ गांधी जी आर गॉट अरेस्टेड एंड दैट वॉज अब्बास तैयब जी अनादर लीडर गांधी जी को रास से कनकापुर की सभा में जाना था सो गांधी जी हैड टू लीव रास एंड गो टू कनकापुर एंड यू नो एक्चुअली ही हैड टू गो फॉर सभा, अ मीटिंग इन कनकापुर वहाँ से नदी पार करनी थी एंड फ्रॉम देयर ही हैड टू क्रॉस अ रिवर इसके लिए गाँव वासियों ने पूरी योजना बनाई एंड फॉर दिस द एंटायर विलेज पीपल गाँव वासियों दे हैड मेड योजना दे हैड मेड यू नो प्रिपरेशन फॉर दैट रात ही रात में नदी पार की गई एंड दे हैड दे वर ऑलरेडी वेल प्रिपेयर्ड सो एट द नाइट इट सेल्फ मिड नाइट सेल्फ दे हैड क्रॉस्ड पार मीन्स टू क्रॉस द रिवर इसके लिए झोंपड़ी तंबू नाव दियो आदि का प्रबंध किया गया फॉर दिस देवर एक्चुअली रेडी विथ ऑल काइंड ऑफ टेंट एंड बोट एट्सेट्रा सारा कठिन काम चुटकियों में सम्पन्न हो गया विथ इन यू नो चुटकी मीन्स विथ इन सेकेंड्स एवरीथिंग वॉज रेडी ओके सो सी वट फ्रॉम दिस चैप्टर वी कैन अंडरस्टैंड इज वॉट वॉट एवर द डिफिकल्ट सिचुएशन इज यू डोंट हैव टू प्लान एंड बी प्रिपेयर अर्लियर एंड ऑल इवन इन सेकंड टाइम इट्स इफ यू हैव पीपल विथ यू यू कैन फाइंड आउट द solutions वेरी easily एंड क्विकली ओके नेक्स्ट क्वेश्चन mahisagar नदी के दोनों किनारों पर कैसा दृश्य उपस्थित था अपने शब्दों में वर्णन कीजिए सो मही सागर नदी इट वॉज द नेम ऑफ अ रिवर ऑन बोथ द किनारा ऑन बोथ द शोर ऑफ़ दिस रिवर व्हाट वॉज द दृश्य यू कैन सी वॉट वॉज द विजन यू कैन सी योवर दैर वॉट वॉज एक्चुअली हैपनिंग दैर राइट यू हैव टू एक्सप्लेन दैम ओके वर्णन कीजिए गांधी जी और सत्याग्रही साया छः बजे चलकर आठ बजे कनकापुरा पहुँचे गांधी जी एंड हिज सत्याग्रही साय मीन्स दिज मूवमेंट मेट्स ओके मेट्स हुआ देर विथ हिम फॉर सत्याग्रह मूवमेंट दे ऑल ऑलवर वॉकिंग एंड दे रीच्ड एट एट ओ क्लॉक टू कनकापुरा वहाँ वहीं आधी रात में महीसागर नदी पर करने निर्णय लिया गया सो ओवर देयर इथ सेल्फ एट मिड नाइट ऑन द मही नदीज किनारा यू नो ऑन द शोर दे है डिसाइडेड टू फाइंड आउट द सोल्यूशन फॉर द मूवमेंट नदी तट पर हजारों लोग दिए लेकर खड़े थे देवर एक्चुअली देवर थाउजेंड ऑफ पीपल होल्डिंग दिया दैट इज कैंडल्स इन देंड्स नदी के दोनों तटों पर मेले जैसा दृश्य हो रहा था ऑन बुद्ध शोर ऑफ द रिवर देर वॉज अ दृश्य अजन ऑफ अ मेला मेला मीन्स जस्ट लाइक देर वॉज एन एग्जिबिशन बिकॉज यू नो देर आर लॉट ऑफ पीपल जस्ट लाइक यू कैन फाइंड इन एग्जीबिशंस एन ऑल लोग गांधी पटेल और नेहरू की जयकार कर रहे थे देवर एक्चुअली सेंग स्लोग इन अप्रेजिंग अप्रेजल ऑफ गांधी पटेल एंड जवाहर लाल नेहरू एम आई क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन यह धर्म यात्रा है चल कर पूरी करूँगा गांधी जी के इस कथन द्वारा उनके किस चारित्रिक गुण का परिचय प्राप्त होता है फ्रॉम द लाइन्स ऑफ गांधी जी दैट ये धर्म यात्रा है चल कर पूरी करूँगा फ्रॉम दिस लाइन व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर ऑफ गांधी जी कैन यू अंडरस्टैंड आंसर इस कथन द्वारा गांधी जी की दृढ़ आस्था सच्ची निष्ठा और वास्तविक कर्तव्य भावना के दर्शन होते हैं So his, you know, drudha astha means a firm wish or a firm, uh, you know, he's very firm that he will actually win this. Okay, he will win for the nation. And uh, he had uh, a Sachi nishta, he was always prepared, he had a, a fixed aim, he knew what to do. And vastavik kartavya, he was very responsible also. ओके दिस इज़ वॉट वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ गांधी जी फ्रॉम दीज लाइन्स वे किसी भी आंदोलन को धर्म के समान पूज्य मानते थे और उसमें पूरे समर्पण के साथ लगते थे एंड वॉट एवर आंदोलन वॉज देयर वॉट एवर मूवमेंट वॉज देयर ही फेल्ट इट एज इफ इट वॉज हिज धर्म इट वॉज हिज रिलीजन टू विन दैट मूवमेंट and also usme पूर्ण संपूर्ण he used to be fully involved into it okay is, uh, till he actually won the movement he, he didn't go backward or he actually never dropped the idea okay he was uh, he was always ready and well prepared for uh, to face any kind of movement ve औरों को कष्ट और बलिदान के लिए प्रेरित करके स्वयं सुख सुविधा भोगने वाले डोंगी नेता नहीं थे he was not a person who asked others to do बलिदान to do sacrifices and sway and he himself took all luxury Suvida. he was not that kind of a leader who asked others to be in uh, you know a bad condition sacrifice and he himself was in all uh, you know a very peaceful manner he was living he was not that kind of a leader in all places he himself gave the examples of sacrifice and uh, everything he himself he took his own name that where all he was actually sacrificing his life he set an example of himself in front of others okay okay i actually feel, find it very boring to explain this lesson as well Anyways, actually, they were freedom fighters who fought so much for us and their sacrifices really means a lot. If you are having, you know, freedom in this country today, that is only because of them. So maybe we have to study them. Okay, next question. Gandhi ko samajhne wale varisht adhikari is baat se sehmat nahi the ki <language> Gandhi koi kaam achanak aur chupke <language> se garengi. Firbi bhi unhone kis dar se aur kya ahtiyati kadam uthayi. सो so, गांधी को समझने वाले द पीपल हुचुअली अंडरस्टेंड गांधी ओके दे आर नाट एक्चुअली हैप्पी विथ नोइंग दैट गांधी हैड यू नो सडनली एंड स्लोली ओके इस बात से सहमत नहीं थे कि गांधी कोई काम अचानक ही वॉज डूइंग सम वर्क स्लोली एंड सडनली नो बडी वॉज एक्चुअली रेडी टू एक्सेप्ट दैट फिर भी उन्होंने किसी दर, किस डर से और क्या एहतियाती कदम उठाए बट स्टिल वॉट वॉज द फियर इन देयर माइंड okay and what was the step they took at that time let's see the answer adhikari gandhi swabhavik se parichit the even the adhikari means the people who are having some some kind of position in, uh, uh, in their place uh, such kind of british people who are holding high position they also knew gandhi's character के एंड हिज विशेषताएं हिज स्पेशलिटी वे जानते थे कि गांधी जी छल और असत्य से कोई काम नहीं करेंगे गांधी नेवर वॉज विथ सम सम्ड ऑफ इनजस्टिस और यू नो एनी काइंड ऑफ फॉल्स थिंग्स ही वॉज नॉट विथ दैट ही वॉज अ पर्सन हु लव्ड नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ फिर भी उन्होंने इस डर से एहतियाती कदम उठाए कि गांधी जी ने कहा था कि यहाँ भी नमक बनाया जा सकता है इसलिए नदी के तट से सारे नमक के भंडार नष्ट करवाए बट स्टिल ब्रिटिश पीपल व स्कैर्ड ऑफ गांधी जी एंड यू नो दो ही दे न्यू दैट गांधी जी विल नेवर एक्चुअली यू नो चीट और समथिंग बट स्टिल दे वर स्कैर्ड समवेयर ब्रिटिश पीपल सो दे रिमूव्ड ऑल द सॉल्ट इन दैट प्लेस ओके नेक्स्ट क्वेश्चन गांधी जी के पार उतरने पर भी लोग नदी तट पर क्यों खड़े रहे इवन वेन गांधी जी हैड क्रॉस्ड टू साइड ऑफ रिवर बट स्टिल ऑन दिस साइड ऑफ़ द रिवर पीपल वर स्टैंडिंग देयर ऑन तट पर मीन्स ऑन द शोर वाई आंसर गांधी जी महीसागर नदी के पार उतर गए गांधी जी हैड क्रॉस्ड द महीसागर नदी रिवर फिर भी लोग नदी तट पर इसलिए खड़े रहे स्टिल पीपल व ऑन दिस साइड ऑन दिस शोर ऑफ़ द रिवर बिकॉज ताकि गांधी जी के पीछे आ रहे सत्याग्रही भी तट तक पहुंच जाए और उन्हें दियों का प्रकाश मिल सके सो दैट द अदर फॉलोअर्स हु आर कमिंग बिहाइंड गांधी जी दे कुड ऑल्सो फॉलो द पाथ यू नो प्रोपर्ली एंड दे कुड ऑल्सो गेट द लाइट विच वॉज यू नो बींग लिट विद द Uh, the candles that was there in the hands of those people so if they had also crossed uh, or they had gone away from there after gandhiji had crossed then the people who were the followers of the movement they couldn't have got the light and they wouldn't understand where to go and how to go and how to cross the river so to help them uh the people over here were actually standing in the that itself on the Shore itself okay. Next is Lagu Uttariya Prashnodar. These are few, uh, some other questions, uh, short answer questions which also I have included in this video. Okay, So if you see this video and you learn all of the answers, then whatever question comes, you can easily face them. And also, if you are studying from your chapter, I mean from your school's uh, uh, chapter solutions, uh, that will be also easy to understand if you understand the meaning by watching this video. Okay. नाओ लेट सी द फर्स्ट क्वेश्चन गांधी जी और पटेल की मुलाकात आश्रम के सामने सड़क पर क्यों हुई ओके गांधी जी एंड पटेल हैड अ मुलाकात दे मेट इच अदा सो वाई डिट दैट हैपन आंसर सरदार पटेल को बोरसद की अदालत में फाइव हंड्रेड रुपये जुर्माने के साथ तीन महीने की जेल की सज़ा हुई बोरसद इज अ प्लेस एंड दीप इन बोरसद अदालत ओके कोर्ट फाइव हंड्रेड रुपीज़ जुर्माना फाइन वॉज एक्चुअली इम्पोज इन सरदार पटेल एंड ऑल्सो तीन महीना थ्री मंथ जेल ओके okay. इसके लिए उन्हें अहमदाबाद की साबरमती जेल में लाया गया लाया जा रहा था फॉर दैट वल्लभ भाई पटेल वॉज बींग टेकन टू तो साबरमती जेल ओके okay? जेल का रास्ता आश्रम से होकर जाता था एंड दिस uh, जेल इन साबरमती जेल वॉज यू हैड टू पास हैड टू बी क्रॉस्ड फ्रॉम द पाथ ऑफ आश्रम ओके okay? वह गांधी जी वैर गांधी जी उनसे मिलने आश्रम से बाहर सड़क पर आ गए थे एंड गांधी जी एक्चुअली केम आउट ऑफ आश्रम ऑन द पाथ ऑन सड़क टू मीट वाला बाई ऑन द वे जहाँ दोनों नेताओं की मुलाकात हुई है दैट वॉज द प्लेस बोथ ऑफ द मेट नेक्स्ट क्वेश्चन रास में गांधी जी ने लोगों से सरकारी नौकरी के संबंध में क्या आह्वान किया इन द प्लेस रास गांधी जी ओके टू द पीपल ओवर दर अबाउट गवर्नमेंट जॉब सरकारी नौकरी के संबंध में रिलेटेड टू गवर्नमेंट जॉब वॉट अनाउंसमेंट आह्वान डिट गांधी जी डू एट रास ओके okay, आंसर रास में गांधी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पटेल को यह सजा आपकी सेवा के पुरस्कार के रूप में मिली है गांधी जी एड्रेस्ड द पीपल जनसभा मींस द पीपल ऑफ दैट कंट्री एंड ही सेड दैट संबोधित करते हुए एड्रेसिंग देम ही सेड दैट पटेल हैज एक्चुअली दिस पनिशमेंट ऑफ बीइंग इम एंड फाइन एंड ऑल एज अ मैटर ऑफ अ पुरस्कार एज अ रिवॉर्ड ओके for whatever sacrifice he was doing you have to take it as a reward actually okay it is something for a good cause and aise mein kuch mukhi aur talati ab bhi sarkari naukri se chipke hue hain and uh, gandhi ji saying that even today there are people who actually are stuck to government job okay उन्हें भी अपने निजी तुच्छ स्वार्थ भूलकर इस्तीफा दे देना चाहिए. Uh, according to gandhi ji the people who work under british people even today they have to they have to actually give resignation istifa means resignation they have to forget about swarth their own selfish needs they have to forget about that and give resignation to British people means see British people are actually um, you know has uh, uh, affected Indians a lot very badly so still if Indians are working under British company it is an insult right so that is why Gandhiji was telling them to give istifa resignation letter नेक्स्ट क्वेश्चन नदी पार करने के लिए सत्याग्रहियों ने रात दस बजे के बाद का समय क्यों चुना सो द पीपल ऑफ ऑफ द ऑफ दैट प्लेस वाई डिड दे एक्चुअली चूज टू क्रॉस द रिवर फॉर द मूवमेंट आफ्टर टेन ओ क्लॉक ऑफ नाइट आंसर मही नदी के दोनों और दूर दूर तक दलदल और कीचड़ था ऑन बोथ द साइड्स ऑफ मही नदी मही सागर नदी दे वॉज दलदल एंड कीचड़ वेट मड ओके इसी की दलदल मीन्स टाइड ओके वेव्स एंड ऑल्सो देर वॉज अ लॉट ऑफ मड इसी कीचड़ एवं दलदल में कई किलोमीटर पैदल चलकर नाव तक पहुँचना था एंड यू हैड टू क्रॉस टू थ्रू दिस कीचड़ एंड ऑल एंड यू नो रीच टू द बोट देर वॉज अ बोट ओवर ओवेदर रात बारह बजे समुद्र का पानी नदी में चढ़ आता है जिससे कीचड़ एवं दलदल पर पानी भर जाता है और नाव चलने योग्य हो जाती है सो एट द नाइट ऑफ ट्वेल्व ओ क्लॉक वॉट हैपन्ज पानी नदी में चढ़ जाता है ऑन द रिवर एक्चुअली वाटर इंक्रीजिज एंड सो वॉट हैपन् कीचड़ एंड दलदल पर पानी भर जाता है और नाव सो वॉट हैपन्स ऑन द कीचड़ ऑन द वेट मर्ड वॉटर एंटर्स वाटर इंक्रीजिज़स सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द बोट टू गो बिकॉज ओनली वैन दर इज वाटर बोट कैन एक्चुअली फ्लो इजीली सो दे एक्चुअली वेट फॉर वॉटर टू राइज ओवर द कीचड़ एंड दलदल ओके नेक्स्ट क्वेस्टन रघुनाथ काका ने सत्याग्रहियों की मदद किस तरह की रघुनाथ काका ऑफ द चैप्टर हाउ डिड ही हेल्प द पीपल ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी इन सत्याग्रही ना मूवमेंट आंसर रघुनाथ काका ने गांधीजी एवं अन्य सत्याग्रहियों को नदी पार कराने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली रघुनाथ काका हैड टेकन द जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हेल्पिंग नदी पार करना टू क्रॉस द रिवर ऑफ़ गांधीजी एंड आल्सो सत्याग्रह अदर सत्याग्रहों सत्याग्रहियों दे आर रेस्पांसिबिलिटी वॉज टेकन बाय रघुनाथ काका जी टू क्रॉस द रिवर वे एक नई नाव खरीद कर कनकापुरा पहुँच गया एंड वॉट ही डिड टू एक्चुअली फुलफिल द रेस्पांसिबिलिटी ही ब्रॉट अ बोट टू कनकापुरा गांधी जी उस नाव पर सत्याग्रहियों के साथ सवार हुए और रघुनाथ काका नाव चलाते हुए दूसरे किनारे पर चले गए सो गांधी जी एंड हिज अदर सत्याग्रही देव सैट इन द बोट एंड रघुनाथ काका टुक दैम टू दाइड ऑफ द रिवर सरदार पटेल की गिरफ्तारी पर देश में क्या क्या प्रतिक्रिया हुई व्हाट वॉज द कंडीशन ऑफ द पीपल इन द कंट्री वेन सरदार पटेल वॉज गॉट हैड गॉट अरेस्टेड आंसर रास में मजिस्ट्रेट द्वारा निषेधाज्ञा लगवाकर गिरफ्तार करवाने से देश में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध तरह तरह की प्रतिक्रियाएं हुई सो वैन एक्चुअली फॉल्स क्राइम ऑफ वायोलेटिंग रूल्स वॉज पुट इम्पोज ऑन द सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड वेन ही वॉज इम्प्रेजेंट द पीपल of uh, the country they were against angrezi Sarkar the officials of British officials and they made different pratikriya they did they were planning of different things against them Madan Mohan Malaviya ne kendriya assembly में प्रस्ताव पेश किया जिसमें पटेल पर मुकद्दान चलाए बिना जेल भेज देने की निंदा की गई सो मदनला मदन मोहन मालविया ओके what he did was that he uh, actually addressed about this problem in केंद्रीय uh, assembly ओके इन देंटर्स असेंबली ही पुट दिस प्रॉब्लम ऑफ पटेल एंड आस्ट फॉर ही एक्चुअली पुट अ केस मुकदमा ओवर देर सो दैट वल्लभ भाई पटेल इज नॉट टेकन टू जेल टू मिनिमाइज दैट पनिशमेंट ओके इसी प्रस्ताव के संबंध में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर है सो इवन द मोहम्मद अली जिन्ना अन द फ्रीडम फाइटर लीडर

दिए जल उठे पाठ के आधार पर लिखिए सो वट वॉज द कंडीशन ऑफ द अदर कॉर्नर अदर शोर द नेक्स्ट शोर ऑफ महीसागर नदी एंड ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर दिए जल उठे एक्सप्लेन मही सागर के दूसरे तट की स्थिति भी पहले तट के जैसी ही थी यहाँ की जमीन भी दलदली और uh, किचड़युक्ति थी कीचड़ युक्त थी दैट मीन्स जस्ट लाइक द वन साइड ऑफ नदी द अदर साइड ऑफ द रिवर वॉज ऑल्सो सेम दर वॉज अ लॉट ऑफ कीचड़ एंड ऑल यहाँ भी गांधी जी को करीब डेढ़ किलोमीटर तक पानी और कीचड़ में चलकर किनारे पहुँचना पड़ा हियर आर ऑल्सो ऑलमोस्ट वन एंड हाफ किलोमीटर गांधी जी हैड टू वॉक वॉक इन द कीचड़ एंड रीच द अदर साइड यहाँ भी गांधी जी के विश्राम के लिए झोपड़ी पहले से तैयार कर दी गई थी देर ऑल्सो साइड ऑल्सो For विश्राम, for rest of गांधीजी, there was a झोपड़ी made, you know, a temporary house kind of small house आह uh, was made for गांधीजी to take rest. This was there on both the sides of the corner, on uh, both the sides of the river. Next question, गांधीजी ke prati british हुक्मरान किस तरह की राय रखते थे? About गांधीजी, what was the opinion, राय of British people? Answer, गांधीजी के प्रति ब्रिटिश आह हुक्मरान, आह the people of, you know, British officials. दो प्रकार की राय रखते थे दे कैप्ट टू काइंड ऑफ ओपिनियन अबाउट गांधी जी इनमें से एक वर्ग को ऐसा लगता था कि गांधी जी अचानक नमक बनाकर कानून तोड़ देंगे इन इन दैट वन काइंड ऑफ़ पीपल ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स थाट दैट दे वुड गांधी जी वुड ब्रेक द लॉज बाय यू नो बाई मेकिंग सॉल्ट ओके नमक बना कर ही वुड ब्रेक द लॉ कानून जबकि गांधी जी को निकट से जानने वाले अधिकारी इस बात से सहमत न थे बट द पीपल निकट से मीन्स क्लोज द पीपल हु वेरी क्लोजली न्यू गांधी जी देर नॉट एक्चुअली यू नो दे वार नॉट विद दिस ओपिनियन दे डोंट फील दैट गांधी जी वु डू समथिंग लाइक दिस उनका मानना था कि गांधी जी इस uh, तरह कोई काम चिपके से नहीं करेंगे दैट दे फेल्ट दैट गांधी जी विल नेवर डू सच काइंड ऑफ अ थिंग बाई हाइडिंग फ्राम एवरी वन गांधी जी वॉज नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन सो देर वॉज टू काइंड ऑफ ओपिनियन अमंग पीपल ऑफ़ यू नो द ब्रिटिश पीपल नेक्स्ट क्वेश्चन कनकापुरा में गांधी जी की सभा के बाद आगे की यात्रा में परिवर्तन क्यों कर दिया गया इन कनकापुरा आफ्टर गांधी जी सभा मीटिंग वाई द चेंजेस मेड इन द यात्रा इन द ट्रैवल, परिवर्तन चेंजेस आंसर कनकापुरा में गांधी जी की सभा के बाद आगे की यात्रा में इसलिए परिवर्तन कर दिया गया क्योंकि रीजन इज नदी में आधी रात के समय समुद्र का पानी चढ़ाता है एट द मिड नाइट टाइम एज ए सेड अर्लियर द वॉटर इन समुद्र रिवर एक्चुअली इंक्रीजेस इससे कीचड़ और दलदल में कम चलना पड़ता है सो द पीपल हैव टू यू नो इट विल नो मच मड मेट सॉरी वेट मड टू बी वॉक डॉन इसके विपरीत नदी में पानी कम होने पर नाव तक पहुंचने के लिए ज़्यादा दूरी कीचड़ और दलदल में तय करनी पड़ती बट अपोजिट टू दैट इफ द इफ देर इज नो इनफ वॉटर इट वुड बी बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर देम टू एक्चुअली वॉक ओवर दे एंड दिस इज़ वाई दे मेड चेंजेस इन द ट्रैवल दे वे देव स्टार्टड वेटिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम टू वॉटर टू इंक्रीज टू हैव इंक्रीज इन वॉटर सो देट दे हैड टू यू नो नॉट वॉक ऑन द वेट मड नेक्स्ट क्वेश्चन महीसागर नदी का किनारा उस दिन अन्य दिनों से किस तरह भिन्न था सो द महीसागर नदीज किनारा शोर वॉज भिन्न वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर डेज ऑन दैट पर्टिकुलर डे वाई एंड हाउ इस उदत दृश्य का वर्णन यू हैव टू एक्सप्लेन द दृश्य द विजन ओवर देयर आंसर गांधी जी और अन्य सत्याग्रही पानी चढ़ने का इंतजार कर रहे थे गांधी जी एंड अदर फॉलोअर्स इन द मूवमेंट दे वर वेटिंग इंतजार फ़ॉर पानी चढ़ना फॉर द पानी टू इंक्रीज वॉटर इंक्रीज रात बारह बजे महीसागर नदी का किनारा भर गया एट ट्वेल्व ओ क्लॉक इन मिड नाइट द वॉटर हैड इंक्रीज गांधी जी झोंपड़ी से बाहर आए झोपड़ी वज द प्लेस फॉर गांधी जी वॉज टेकिंग रेस्ट ही केम आउट ऑफ दैट और घुटनों तक पानी में चलकर नाव तक पहुँचे एंड ही वॉकड इन द वॉटर टिल वॉटर विच वॉज डेयर टिल हीज़ घुटना नीज़ ही वॉक एंड रीच द नाव बोट इसी बीच महात्मा गांधी की जय नेहरू की जय सरदार पटेल की जय के नारो के बीच नाव रवाना हुई एंड द पीपल व एक्चुअली नारा मीन स्लोगन दे वो एक्चुअली कॉलिंग आउट स्लोगन सेग दैट महात्मा गांधी की जय नेहरू की जय सरदार पटेल की जय इसे रघुनाथ काका चला रहे थे एंड दिस वॉज लेट बाय सॉरी द बोट वॉज बीग यू नो रो इट वॉज बींग रोड बाय रघुनाथ काका कुछ ही देर में नदी के दूसरे किनारे से भी ऐसी ही आवाज़ गूंजने लगी एंड विद इन फ्यू मिनट्स फ्यू टाइम ऑन द फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रिवर ऑल्सो द सेम एंड साउंड हर्ट लास्ट क्वेश्चन कनकापुरा की जनसभा में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के बारे में क्या कहा इन द मीटिंग एट कनकापुरा व्हाट डिट गांधी जी से अबाउट अंग्रेज सरकार ओके ब्रिटिश ऑफिशियल्स कनकापुरा की जनसभा में गांधी जी ने अंग्रेज सरकार और उसके कुशासन के बारे में ये कहा कि इस राज में रंग से राजा तक सभी दुखी हैं सो कनकापुरा की जनसभा में इन इन द मीटिंग इन कनकापुरा गांधी जी वेइंग अबाउट द ब्रिटिश ऑफिशियल्स एंड देयर kushasan Kushasan means they're uh, misruling the way they are ruling just now you know in a wrong manner so about that he was addressing and saying that in our country from Raj to uh, rank Raja to rank rank means uh, poor people and Raja means rich king kind of people so uh, they, he was telling about the people from uh, very poor to, द वेरी रिच पीपल लाइक किंग्स राजे महाराजे भी उसी तरह नाचने को तैयार है सो ही सेट ही से दैट ऑल द पीपल फ्रॉम राजा टू पुअर पीपल फ्रॉम किंग टू पुअर पीपल ऑल आर दुखी इन आर कंट्री ऑल आर सैड इन आर कंट्री बाय बिकॉज ऑफ द हाउ द ब्रिटिश पीपल व रूलिंग दैम ओके एंड ही सेग दैट राजा महाराजा इवन द किंग्स ऑल्सो आर रेडी टू नाचना मीन्स टू डांस अकॉर्डिंग टू वॉट ब्रिटिश पीपल आर से जैसे सरकार नचाहती है जस्ट लाइक द गवर्नमेंट इज मेकिंग दैम डांस दे आर रेडी टू डांस द किंग्स एंड द हाई ऑफिशियल्स ये राक्षसी राज है दिस इज अ वेरी राक्षसी मीन्स अ वेरी स्केरी एंड समथिंग दट्स अ वेरी बैड काइंड ऑफ अ राजू नो राज Uh, to make people follow the rules and regulations, uh, how the people are ruling? Okay, Raj means actually ruling them. How the people are being ruled? It's a very bad manner. In iska samhar karna chahiye. We have to, uh, you know, be against this. We have to fight for the, fight against this and fight for the freedom of our country. We have to address this problem and fight for the uh, real freedom of our country from the British officials. Okay, now this is the end of this video let me go and drink some water because i'm really tired anyways i'm happy to help you and thank you so much for watching my videos and keep supporting and if any doubt ask me in the comment section okay bye bye